हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर नंबर 2 रियल एनालिसिस देखने जा रहे हैं। और आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो है थ्योरम। पिछली क्लास में हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन देखे थे, तो आज की क्लास में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का थ्योरम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे सेशन। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रियल एनालिसिस जो कि है आपके एग्ज़ाम में जो पेपर 2 है आपका रियल एनालिसिस ही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आज हम थ्योरम देखेंगे, तो हमारा थ्योरम क्या है उसको पहले हम लिख लेते हैं, है ना। थ्योरम कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि कॉपी पेन अपने को लेकर के बैठना है ना। सपोज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सपोज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज सी एन जेड एन इज 1, यानी कि आर की वैल्यू अपने को क्या दी गई है, 1 दी गई है, ठीक है। एंड सपोज C0 इज ग्रेटर देन C1, C1 इज ग्रेटर देन C2 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है, इसी में आगे दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn इक्वल्स टू 0, then the power series Cn Zn converges at every point on the circle। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी, r की वैल्यू आई है 1, तो सर्कल हमारा क्या होगा कि मॉड z इक्वल्स टू 1, पिछली क्लास में हमने ये देखा था, है ना। ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट पॉसिबल एट z इक्वल्स टू 1। क्या बोला गया, ध्यान से समझो। पहली बात तो थ्योरम को समझो कि थ्योरम है क्या। सपोज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इज 1, यानी कि r की वैल्यू 1 दी गई है, तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा, मॉड z इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ये अपने को क्लियर हो गया, है ना। इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि सपोज C0 इज ग्रेटर देन C1, C1 इज ग्रेटर देन C2 एंड सो ऑन, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी Cn की वैल्यू 0 दी गई है। हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि Cn Zn कन्वर्ज एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्सेप्ट पॉसिबल एट z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग अपने इस थ्योरम को, प्रूफ करते हैं कि क्या हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं बाई डी रिचलेट्स टेस्ट। हमने पढ़ा है क्या, जी बिल्कुल हमने पढ़ा है, बाई डी रिचलेट टेस्ट हमारा क्या बोलता है, व्हेन ए एन द पावर सीरीज ए एन एंड द पावर सीरीज बी एन, यानी कि सीरीज सिंपल से समझो, when the series a n and the series b n be the two series, जो कि हमने समझ लिया, बी द टू सीरीज सच दैट द पार्शियल सम, द पार्शियल सम ए एन ऑफ सीरीज ए एन फॉर्म अ बाउंडेड सीक्वेंस, फॉर्म अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है,
बी जीरो इज ग्रेटर देन बी वन, बी वन इज ग्रेटर देन बी टू एंड सो ऑन एंड सो ऑन. थर्ड कंडीशन हमारी क्या दी गई है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल्स टू जीरो. देन द सीरीज ए एन बी एन कन्वर्ज कन्वर्ज. ये है डिरिचलेट टेस्ट. डिरिचलेट टेस्ट बोलता है यदि ए एन और बी एन दो सीरीज हैं ऐसी कि पहला कंडीशन है कि द पार्शियल सम ऑफ ए एन ऑफ ए एन फॉर्म अ बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि ए एन क्या है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इसका सम है जो कि बाउंडेड सीक्वेंस बना रहा है. सेकेंड कंडीशन है कि बी नॉट B1 से बड़ा है, B1 B2 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू है. थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी Bn की वैल्यू जीरो है. यदि ये तीन कंडीशन फुलफिल होता है तो हमारी जो सीरीज है An Bn की वो कन्वर्ज करेगी. ऐसा ही तो सेम क्वेश्चन हमको भी दिया गया है ना, हमसे भी तो यही थ्योरम में भी बोला गया है कि C0 is greater than equal to C1, C1 is greater than equal to C2, और limit n tends to infinity Cn क्या है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है. अपने को प्रूव करना है कि ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है. तो डिरिचलेट टेस्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ हमारा, है ना. जैसे ही हम डिरिचलेट टेस्ट को अप्लाई किए हैं तो हमारी जो सीरीज यहाँ पे जो सीरीज है ए एन बी एन की है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो सीरीज है वो क्या है, सी एन जेड एन है. तो हम वैसे ही लिखेंगे जो हमें गिवन क्वेश्चन है ना. तो द गिवन पावर सीरीज इज, हमें जो दी गई है पावर सीरीज वो क्या है उसको लिखते हैं. द गिवन पावर सीरीज इज समीशन सी एन जेड एन, यही है हमारी सीरीज. लेट हम मान करके चलते हैं, लेट ए एन जो है हमारा क्या है, जेड एन है, और बी एन जो है हमारा सी एन है. हम डिरिचलेट टेस्ट में सेट कर रहे हैं, है ना. और लेट लेट ए एम प्लस वन का मॉड पार्शियल सम है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है. वो क्या होगा, ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू अप टू ए एम प्लस वन है, तो एम प्लस वन हम यहां पे भी ले लिए, ठीक है. ए जीरो की वैल्यू हमारी क्या है, वन. ए जीरो की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे जीरो रखो ना तो क्या आएगा हमारा, जेड का पावर जीरो क्या होता है, एनी थिंग पावर जीरो वैल्यू वन आएगी, तो वन आ गया हमारा. ए वन क्या आएगा, जेड आएगा, जेड का पावर वन रखा है हमने. ए टू क्या आएगा, जेड का पावर टू रखेंगे हम लोग, ठीक है. सिमिलरली ए एम प्लस वन क्या आएगा, जेड एम प्लस वन आएगा. आएगा कहीं पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आप लोगों को, कहीं पे कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा, है ना, कि ये चीज समझ में नहीं आई है. आया कैसे, तो मैं लिख देती हूँ, सिंस ए एन इक्वल्स टू जेड एन, ए एन जेड एन है, तो ए जीरो जेड जीरो ए टू, है ना. तो वैसे यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ए जीरो जेड जीरो जिसकी वैल्यू वन होगी, ए वन जेड वन यानी कि जेड एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है. यानी कि हम अब आगे समझ लें यहाँ से, ठीक है. बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को, यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है. ये जेड जी जेड वन ये क्या होगा, सॉरी ए वन लिखना था ना, मैंने जेड वन लिख दिया गलती से. ए वन जेड वन यानी कि जेड एंड सो ऑन, ठीक है. ये वैल्यू यहां से आई. इसको हम ये देख पा रहे हैं कि ये सीरीज तो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है. वन जेड जेड का स्क्वायर ऐसे बढ़ते बढ़ते जेड एम प्लस वन तक गया है, ठीक है. कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है हमारा, कॉमन रेशियो मिल रहा है हमारा क्या मिल रहा है, जेड स्क्वायर माइनस जेड कितना हो जाएगा, जेड आएगा. यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, कॉमन रेशियो कितना आया है हमारा, यानी कि जेड स्क्वायर अपॉन जेड कितना आएगा, जेड आ रहा है ना, ठीक है. तो हम यहाँ पे जब कॉमन रेशियो जेड आया है और वो भी जेड क्या है, पॉजिटिव टर्म है. जैसे जेड पॉजिटिव टर्म है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, रीजन में है, सिंस द सीरीज
इज इन जीपी जो मेट्रिक प्रोग्रेशन में है. विथ कॉमन रेशियो कितना आया है? विथ कॉमन रेशियो जेड विच इज अ पॉजिटिव टर्म जो कि पॉजिटिव है. ठीक है, तो इसका मतलब कि मॉड जेड इज लेस देन वन पॉजिटिव टर्म. तो देयर फोर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समीशन क्या होता है, ए वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन वन. When R is less than one, ठीक है, Z क्या है, पॉजिटिव टर्म आया है हमारा यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. चलो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, A वन माइनस आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A m प्लस वन था ना इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड एम प्लस 1 है. तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा, a, यानी कि फर्स्ट टर्म हमने जो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस r का पावर n, यानी कि कॉमन रेशियो r का पावर n आ रहा है, यानी कि z का पावर m प्लस 1 लिया हमने. 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, r मतलब कि z, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है. ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया, यहां से ये फॉर्मूला हमने यूज किया. इसको यदि हम सॉल्व करें, ये टर्म को सॉल्व करें, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं. ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस जेड एम प्लस 1 ये मॉड ऊपर और यहाँ पे 1 माइनस जेड ये मॉड. इसको अलग से करते हैं हम लोग, अलग से करते हैं मतलब कि हर स्टेप में. इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम लोग. देखो हम लोग यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला किसका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का. ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या हो बोलती है, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b, यही है हमारा फॉर्मूला, बस उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग. ये हो गया, ये यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आया, यहाँ पे माइनस ऑफ z m प्लस 1 ये आ गया, और अपॉन में क्या है, अपॉन में तो चल रहा है हमारा 1 माइनस z, क्या है 1 माइनस z है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड से बाहर निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस z, 1 माइनस z. ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, मॉड 1 प्लस माइनस ऑफ z m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z. यहाँ पे आया हमारा 1, यानी कि वन का मॉड कितना आएगा, वन ही तो आएगा, बार बार मॉड क्या लेना उसको, है ना, उसको हटा दो, वन लिखो डायरेक्ट, वन लिखो प्लस. यहाँ पे मैं माइनस वन को अलग कर दूं क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ, और यहाँ पे जेड एम प्लस वन को अलग कर सकती हूँ. माइनस वन एनीथिंग कुछ भी मॉड के अंदर जाएगा वो प्लस ही देगा ना, तो प्लस दे दिया वो. यहाँ पे कितना बचा हमारे पास में, जेड एम प्लस वन बचा. ठीक है, आप ये बताओ कि मॉड जेड क्या आया है, मॉड जेड इक्वल्स टू वन है, क्यों, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखो ना कैसे आया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया गया है वन, तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मॉड जेड इक्वल्स टू वन दिया है. देखो मॉड जेड की वैल्यू क्या दी गई है, वन दी गई है. जब मॉड जेड की वैल्यू वन दी गई है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा इसका, वन का पावर एम प्लस वन, यानी कि रिजल्ट वन आया. मॉड जेड की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का पावर m प्लस 1, रिजल्ट कितना है 1 आया, तो यानी कि 1 प्लस 1, तो यहाँ पे रीजन हमने लिख दिया पहले से ही. यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यानी कि हमारे पास में रिजल्ट कितना आ रहा है, इसका मॉड मैंने नहीं लिखा ना, मैंने उसका मॉड ही हटा दिया था, है ना, और यहाँ पे भी ये अलग से मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना, इसको 1 माइनस एन, यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, 1 माइनस जेड, और यहाँ पे भी 1 माइनस जेड, यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या आया है,
वो आया है ए एम प्लस वन, ए एम प्लस वन इक्वल्स टू नहीं लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा था तो टू अपॉन वन माइनस जेड का मॉड आया। इतना तक रिजल्ट आ गया हमारा। इतना तक रिजल्ट आने के बाद ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक टर्म मिला है हमको ए एम प्लस वन, क्या मिला है पार्शियल सम हमको बाउंडेड मिला ना। देखो डिरिचलेट टेस्ट क्या बोलता है, डिरिचलेट टेस्ट बोलता है ये कंडीशन तो हमारी गिवन क्वेश्चन में है, ये वाली कंडीशन भी हमारी गिवन क्वेश्चन में, बस इसको बस लाना था पार्शियल सम ए एन ऑफ सीरीज ए एन फॉर्म अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए एम प्लस वन जो है हमारा वो तो बाउंडेड सीक्वेंस आया ना, जैसे ये बाउंडेड आया तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि दिस शोज, और अपने को ये पता है कि ए एन हमने क्या माना है, ए एन हमने जेड एन माना है ना, ए एन हमने जेड एन माना है, तो दिस शोज डैट द पार्शियल सम ऑफ सीरीज जेड एन, सीरीज क्या जेड एन ठीक है, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड, ये क्या है बाउंडेड है पार्श, ये क्या है बाउंडेड है। जैसे ही ये बाउंडेड है तो हम बोलेंगे बाय डिरिचलेट टेस्ट वी कंक्लूड डैट, वी कंक्लूड डैट द पावर सीरीज सी एन जेड एन कन्वर्ज, ये क्या हो रही है कन्वर्ज कर रही है कहाँ, एट एवरी जो गिवन क्वेश्चन है जो थ्योरम है एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्सेप्ट, सर्कल क्या है मॉड जेड इक्वल्स टू वन, एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू वन, जेड की वैल्यू वन ले लूंगी तो ये तो जीरो आ जाएगा, जीरो मतलब इन्फिनिटी आया तो बाउंडेड कहाँ हुआ है ना, इसीलिए बोला गया एक्सेप्ट एट जेड इक्वल्स टू वन, जेड की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। और डिरिचलेट टेस्ट से ये प्रूव हुआ कि ये जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा थ्योरम प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ प्रूव्ड, लास्ट में चाहे कुछ बने ना बने ये अपने को सबको पता रहता है ना कि लास्ट में प्रूव्ड लिख देना है अपने को, ठीक है। समझ में आया कहाँ से हमने कैसे किया, जो दो कंडीशन थी डिरिचलेट टेस्ट की वो हमारी गिवन क्वेश्चन में ही दी गई है, तो उसको तो हमको प्रूव ही नहीं करना है, कोई टेंशन ही नहीं है, एक कंडीशन को बस हम प्रूव किए, ये पता चल गया कि जो हमारी पावर सीरीज है वो क्या है कन्वर्ज कर रही है, जैसे वो कन्वर्ज की तो हमारा थ्योरम हो गया प्रूव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्या आप लोगों को सबको समझ में आया, यदि समझ में आया तो डू लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लेना कि ये चीज़ समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन दूँ आप लोग को, सॉल्व करोगे, यदि सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया है, पिछली क्लास अटेंड किया होगा आप लोगों ने तो बिल्कुल आप लोग आसानी से बना ले जाओगे, यदि नहीं अटेंड किए हो नहीं सॉल्व किए हो तो नहीं बना पाओगे, तो बोलो तो दूँ एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन दे देती हूँ सॉल्व करना आप लोग अपने से, ठीक है। चलो पिछली क्लास से रिलेटेड है क्वेश्चन, पिछली क्लास यदि देखे होगे तो सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन, होमवर्क है एच डब्ल्यू पहले तो डाल ही लो है ना, ये होमवर्क है आप लोगों को करके आना है। पहला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस, सॉल्व करना है इसको है ना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, पिछले जो पिछली क्लास है ना हमारी उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, पावर सीरीज क्या है जीरो टू इन्फिनिटी जेड एन,
जेड का पावर एन और नीचे में क्या दिया गया है, एन प्लस वन बीटा, जो कि बीटा जो है हमारा वो ग्रेटर देन वन है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेम है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। टेस्ट द, बार बार बोल रही हूँ, पिछली क्लास के जैसे ही बनेगा, है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है आप लोगों को, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेना और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, ठीक। ना बने तो फिर मुझे बताना आप लोग। जेड एन और एन प्लस वन बीटा वहां दिया है तो यहाँ पे वन बाई टू डाल लो, ठीक है, वन बाई टू डाल लो। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लाओगे आप लोग, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये चीज अपने से नहीं बना है। जो दो हमारा अभी जो पिछला, देखो ये वाला जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है और जो पिछला लेक्चर है, ये दोनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो और उस पर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यदि ये दो लेक्चर को अटेंड करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में यूनिकनेस थ्योरम करेंगे, एबल्स थ्योरम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you.